Hello guys, welcome back on Biology Village, and today we are going to discuss a new topic. Matlab, today we are going to start a series of 500 questions that completely concern to the geology. Matlab, jo geological portion hai, usse baat karenge, TGT and PGT and GIC, jo geology ka part hai. Aur is series ke jo 500 question hai, wo question main aapko per day 10 to 15 question ke form mein इन मॉर्निंग टाइम, ठीक है गाइस, डेली ये क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन ऑफ 500 दैट कम्प्लीटली कंसर्न टू दिस जियोलॉजी वाला जो पार्ट है उसे रहेंगे. तो गाइस इस सीरीज में जो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट्स हैं. जैसे होता है क्वेश्चन कि साइज ऑफ बी हाइव, जो हमारी मधुमक्खी होती है उसका जो साइज होता है, उसका छत्ता जो होता है, हिंदी में बोलें तो उसका साइज जो होता है 46 to 23 सेंटीमीटर, मतलब जो ब्रेथ होती है वो 23 और जो लेंथ होती है वो 46 होती है. और दूसरा पॉइंट है पेनिसिलिन इज बेस्ट वर्क ऑन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. कहने का मतलब एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो होती है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से जो डिजीज है, जो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, उन्हें ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है. एंड देन स्ट्रेप्टोमाइसिन अनदर एंटीबायोटिक्स बेस्ट वर्क ऑन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. सिंपल से मीनिंग है कि पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, कहने का मतलब जो एक्शन ऑफ एरिया है वो डिफरेंट है. पेंसिलिन ग्राम पॉजिटिव पे करती है और स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्राम नेगेटिव पे करती है. और ये बिल्कुल स्टेटमेंट गाइस सही है. और फोर्थ स्टेटमेंट है टीथ आर एब्सेंट इन टर्टोइज एंड टर्टल. आपने देखा होगा ये दोनों ही रेप्टाइल्स ग्रुप के हैं, और जैसा कि हम देखते हैं कि रेप्टाइल्स में टीथ होते हैं, बट इन दोनों में टीथ एब्सेंट होते हैं अपोजिट टू ऑल रेप्टाइल. ये बात भी बिल्कुल सही है गाइस. सो करेक्ट आंसर आपका होता है ए. सेकेंड क्वेश्चन में हम बात करते हैं, एक बुक है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, द बुक इंटाइटल्ड नेचुरल हिस्ट्री इज रिटन बाय, एक बुक का नाम है जिस नेचुरल हिस्ट्री, जिसे किसने लिखा है गाइस, इसे लिखा है बुफेन. ये ध्यान रखना, नेचुरल हिस्ट्री बहुत ही प्रिमिटिव वर्क जूलॉजी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें है. नाउ द मोस्ट एडवांस्ड ब्रांच ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी आपने सुना होगा, आर्टिकोलॉजी से इकोलॉजी होता है, उसके बाद उसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं जो मॉडर्न टाइम में डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम या हमारा जो इकोसिस्टम होता है उससे कंसर्न होती हैं. क्वेश्चन में पूछा गया कि जो एडवांस ब्रांच है, कहने का मतलब जो ज़्यादा प्रैक्टिकल ब्रांच है और जिसपे बहुत सारा वर्क करा जा रहा है, वो कौन सी गाइस. उसमें हम बात करें तो वो आज के टाइम में देखा जाए तो प्रोडक्शन इकोलॉजी के बारे में सबसे ज़्यादा मतलब एडवांसमेंट हो रही है. करेक्ट आंसर आपका सी. क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं, अमंग द अदर बेसिक डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी इकोलॉजी इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू, मतलब आपको पता है इकोलॉजी क्या है और बायोलॉजी क्या है. इकोलॉजी बायोलॉजी तो आपको पता ही, जूलॉजी एंड बॉटनी का जॉइंट फार्म होता है कि लाइफ की स्टडी करना, और इकोलॉजी जो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका उनके एनवायरनमेंट के साथ जो इंट्रैक्शन होता है उसकी स्टडी करने को हम इकोलॉजी बोलते हैं. अब पॉइंट आता है कि बायोलॉजी जो होता है इकोलॉजी से, मतलब बेसिक डिविजन ऑफ बायोलॉजी जो है इकोलॉजी मोर क्लोजली रिलेटेड टू. बायोलॉजी के डिविजन्स ये लिखे हुए हैं आपके, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी एम्ब्रियोलॉजी एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी. तो इकोलॉजी का बायोलॉजी के किस पर्टिकुलर डिवीजन से बहुत ज़्यादा क्लोजनेस देखी जाती है या बहुत ज़्यादा इसके जो इन्फ्लुएंस होता है, तो वो देखी जाती है कि मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं बायोलॉजी के उनसे देखी जाती है. कि आपने देखा होगा इकोलॉजी में हम जो बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स का जो हेयर इन कोल्ड एरियाज, स्किन का छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, सरफेस एरिया कुछ देखा मॉर्फोलॉजिकल, एंड देन फिर फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट में हम बात करते हैं, तो ये दोनों जो एस्पेक्ट्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्टडीज कर जाते हैं अंडर इकोलॉजिकल एरिया में. नाउ हाउ मेनी वैक्सीन इंक्लूड इन द पाश्चर ट्रीटमेंट, पाश्चर ट्रीटमेंट आपने देखा होगा जैसे कि पाश्चर पॉइंट्स इस तरीके से होता है, तो वही सेम पॉइंट है गाइस यहाँ पे कि हाउ मेनी वैक्सीन इंक्लूड इन द पाश्चर ट्रीटमेंट. पाश्चर ट्रीटमेंट में जो हम बात करते हैं कि पाश्चर ट्रीटमेंट हमने लिया तो इसमें कितनी वैक्सीन आती हैं, तो इसमें गाइस वैक्सीन का नंबर जो है आपका वो 14 होता है गाइस. करेक्ट आंसर आपका सी. नाउ ये सब क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चन है गाइस, कोई इसमें सोचने का नहीं है. नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्री फाउंड इन नेक, हमारे ह्यूमन नेक में जो सर्विकल वर्टिब्री का नंबर होता है गाइस वो कितना होता है, नंबर होता है 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं, द फर्स्ट वर्टिब्रेट विच फुल्ली अडाप्टेड टू लिव ऑन लैंड. जैसे आपने देखा था कि प्लांट ग्रुप में एम्फीबिया जो होते हैं गाइस, जिन्हें हम ब्रायोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है, और रेप्टाइल्स टेरोफाइट के इक्विवेलेंट होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे बात बोला गया है कि फर्स्ट वर्टिब्रेट विच फुल्ली अडाप्टेड टू लिव ऑन लैंड, तो सेम वही पैटर्न कहा जाता है. अगर रेप्टाइल की बात करें तो आंसर इसका गाइस पहले तो बता दें आपको, ए रेप्टाइल्स होता है, ठीक है, और ये बॉटनी में अगर हम बात करें तो टेरोफाइट आएगा, मतलब सेम क्वेश्चन टेरोफाइट अगर प्लांट साइज में बात करें, और आपके एम्फीबिया की बात करें तो ये ब्रायोफाइट, मतलब
ऐसे प्लांट जो रहने के लिए अडाप्टेड हों दोनों प्लेसेस पे, मॉइस्ट प्लेसेस या पानी में, या फिर दूसरा हमारे टेस्टी लैंड पे। सेम उसी पैटर्न पे एम्फीबिया अडाप्टेड टू लिव इन बोथ प्लेसेस एक्वाटिक एज वेल एज टेस्टियर। सेम रेप्टाइल जो होते हैं आर दी फर्स्ट अडाप्टेड टू लिव ऑन दी लैंड। ठीक है, वर्टिब्रेट कैटेगरी से पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है गाइस, गॉचर डिजीज इज द रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन इन फिल इन द ब्लैंक्स को टाइप है रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। कहने का मतलब जो गॉचर डिजीज होती है वो एक म्यूटेशन है, उसके रिजल्टेंट की वैल्यू, मतलब हमें गॉचर डिजीज होती है म्यूटेशन होता है, और वो एंजाइम्स या जो भी चीज़ें हैं इसमें एंजाइम्स तो आएगा क्योंकि ऑप्शन में एंजाइम्स हैं, वो कौन से एंजाइम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, क्लोरोप्लास्टिक एंजाइम्स हैं, या अलग दिए उनके म्यूटेशन होता है किसमें, एंजाइम्स में। उन एंजाइम्स का जो सिंथेसिस होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कि जो ग्लाइकोलिपिड्स होता है वो अब ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको ब्रेक डाउन करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो अब सिक्रीट नहीं हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं लिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड का मतलब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट जो समझ सकते हैं ना, ये दोनों पार्ट का ज्वाइंट फॉर्म होता है ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, ये लिपिड्स में नहीं बल्कि ग्लाइकोलिपिड कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आते हैं, और ये आपके जो एंजाइम्स होते हैं गाइस ये होते हैं आपके लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना है क्योंकि लिपिड्स की बात करते हैं तो हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं, लिपिड का जो मीनिंग होता है आपका इमल्सिफिकेशन वो होता है वाटर का हाइड्रोलिसिस टाइप का, तो उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के पैचेस पाए जाते हैं। सो करेक्ट आंसर आपका बी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ ओपीवी जिसे हम बोलते हैं ओरल पोलियो वायरस, आपने सुना होगा बहुत लॉन्ग टाइम तक इंडिया ने स्ट्रगल किया और उसके बाद 2010 में हम इससे फ्री हो गए। तो कहने का मतलब जो ओरल पोलियो वायरस था वो हमारी बॉडी में किस जगह पे मतलब जाके अपना पार्ट या अपना जो प्लेस था अटैचमेंट का या वहाँ रुक जाता था जाके, सही। ओपीवी गेट कोलोनाइज इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, आईलिड एंड गट। तो गाइस करेक्ट आंसर है गट। ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है उसमें। एक क्वेश्चन है गाइस जिसमें मैचिंग करना है हमें, और उसमें एक तरफ जो है एरिया रिसर्च फील्ड दिए और दूसरी तरफ कुछ जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं उनके नाम है, तो आपको उनके रिस्पेक्टिव फील्ड से मैचिंग करना है। जैसे एस आर कश्यप, के सी मेहता, बीरबल साहनी, अरुण कुमार शर्मा, इसके रिस्पेक्टिव इनके फील्ड्स हैं फंजाई, फॉसिल जिम्नोस्पर्म, साइटोजेनेटिक्स एंड ब्रायोफाइट। तो गाइस अभी तक अगर हम बात करें तो आपने जिम्नोस्पर्म वाले पार्ट में चीज़ देखी होगी, ये जूलॉजी वाले पार्ट में, क्योंकि साइंटिस्ट हैं गाइस तो इनका तो बायोलॉजिकल टर्म्स होता है, जूलॉजी बॉटनी के नहीं होते, फिर भी इनका एरिया जैसे आप देखेंगे तो साइटोजेनेटिक्स, ठीक है, तो जूलॉजी का पार्ट हो गया, फॉसिल्स की बात करते हैं या फंजाई की बात करते हैं, ब्रायोफाइट की, तो आपने देखा होगा हमने आप बीरबल साहनी को बताया था गाइस फॉसिल जिम्नोस्पर्म के बारे में, आपको अगर आइडिया होगा अभी जिम्नोस्पर्म वाले पार्ट में। तो यहाँ पे एक तो चीज़ आपको बता चुका हूँ कि सेकेंड का सी इस तरीके से आंसर, ये देखिए ये वाला, ठीक है, और सेकेंड का सी यहाँ पे भी है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अगर आपको पता होगा गाइस के सी मेहता बहुत ही फेमस हैं इंडिया में फंगल रिसर्च के लिए, और इन्हें फादर ऑफ माइकोलॉजी भी कहा जाता है, इसलिए जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा आपका केसी मेहता, देखिए फंजाई बी और ये बी फर्स्ट का, तो ये वाला ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिले, दोनों करेक्ट आंसर हैं। दूसरा आपके जो अरुण कुमार शर्मा थे गाइस वो आपके साइटोजेनेटिक्स थे और बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने, और ब्रायोफाइट का आपकी बात करें तो एस आर कश्यप जो थे गाइस वो आपके फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहलाते हैं इंडिया में। सो करेक्ट आंसर आपका होता है ए। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच गाइज़।